फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, जब आप किसी के भी साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, वैसे हम आज बात कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की, पर मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ किसी भी तरह का, चाहे वो आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपके दोस्त के साथ रिलेशनशिप है, आपके कोलीग्स के साथ है, आपके आप किसी के बॉस हैं या कोई आपका सबऑर्डिनेट है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में अगर बुनियादी, अगर फाउंडेशन रिस्पेक्ट पे हो वो रिलेशनशिप की, तो वो रिलेशनशिप हमेशा लंबे टाइम तक चलता है और रिस्पेक्टफुली चलता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही रिस्पेक्ट है। एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डिमांड। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी इज्जत करो, ऐसा नहीं कह सकते किसी को। रिस्पेक्ट पाने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए जिसकी वजह से कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। फिर चाहे आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी इज्जत करने के लिए। तो रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज कमांडेड, इट इज़ नेवर डिमांडेड। आप कभी किसी के लिए, किसी के सामने ये जिद नहीं कर सकते कि मैं ओहदे में बड़ा हूँ या बड़ी हूँ तो मुझे इज्जत दो, या मैं रिलेशनशिप में मेरी पोजीशन ये है तो मुझे इज्जत दो। ऐसा नहीं होता, एज फैक्टर नहीं होता इसमें, रिलेशनशिप का कोई स्टेटस नहीं होता। रिस्पेक्ट अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है, जो इंसान अपनी किसी खास आदत या किसी हरकत की वजह से कमांड करता है, उसे डिमांड नहीं करना पड़ता, जिद नहीं करनी पड़ती कि इज्जत दो क्योंकि कोई आपसे बड़ा है तो इज्जत करो, ऐसा नहीं होता। अपने कर्मों से, अपने कुछ आदतों की वजह से किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है। तो आप भी अपने पर्सन की रिस्पेक्ट करते ही होंगे किसी ना किसी वजह से, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट किस लिए करते हैं, आप में ऐसी कौन सी वो खास बात है जो शायद आप भी अवेयर नहीं है, आपको भी शायद पता नहीं है कि आपकी वो क्वालिटी आपके पर्सन को फोर्स करती है जाने अनजाने, आपके बिना कहे, कि वो आपकी इज्जत करें। मतलब कि अगर आप कभी नो कांटेक्ट जोन में हो, आप कभी कितना भी झगड़े होंगे, लेकिन आपके पीछे से वो आपके लिए जब बात करेंगे तो बहुत इज्जत से करेंगे, और आपकी इज्जत करना उसकी वजह है आप खुद, आपकी जिद नहीं, आप खुद, आपकी वो एक खास बात जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं। आइए आज की रीडिंग में मैं आपको इन्वाइट करती हूँ जानने के लिए, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी इज्जत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आपने कभी उनसे कहा भी नहीं कि आपकी इज्जत इस पर्टिकुलर बात के लिए करें, क्योंकि आपको भी शायद पता नहीं कि आप में वो गुण है, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो एटीट्यूड है जो रिस्पेक्ट को कमांड करता है। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स बनेंगे आपके लिए। पाइल 1 पे है ये आईफिल टावर, पाइल 2 पे है ये शेड्स गॉगल्स, और पाइल 3 पे है ये परफ्यूम। ध्यान से देखिए, पाइल 1 पे ये आईफिल टावर, पाइल 2 पे है ये शेड्स गॉगल्स, और पाइल 3 पे है ये परफ्यूम वर्सेस परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है इजीली, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले, और किसी भी वजह से अगर आपको लगता है आपसे नहीं सिलेक्ट हो पा रही है पाइल, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना, फिर जिस रीडिंग से सबसे ज्यादा रिजोनेशन हो उस रीडिंग को आप अपना समझ सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 आईफिल टावर से, क्वेश्चन को आप दिल में दोहराइए कि आपके पर्सन, चाहे आपके साथ कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, ब्लॉक रखा है, अनब्लॉक रखा है, कुछ भी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, ऐसी वो आपकी कौन सी बात है जो शायद आपको खुद भी नहीं पता कि आपके पर्सन उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपके गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड आपकी रिस्पेक्ट किस वजह से इतनी ज्यादा करते हैं।
नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो मुझे दिख रही है इसमें वो है एयर साइन एंड वाटर साइन। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे एयर एंड वाटर साइन का दिख रहा है। तो आप या आपके पर्सन एयर या वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मैं कहूँगी फायर, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स वाटर एंड एयर, एंड सेकेंडली फायर साइन भी हो सकता है। आइए एनालाइज करते हैं क्यों आपके पर्सन आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता भी नहीं आपकी वो कौन सी आदत है जिसकी वो इतनी इज्जत करते हैं। तो जो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड से वो ये है कि आपके पर्सन आपके सामने चाहे कितने भी जज्बाती हो जाते हैं, जज्बातों में आके आपको बहुत भला या बुरा भी कहते हैं कई बार, तो आप जो उस वक्त अपनी एक गरिमा, अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं, हाँ आप गुस्सा ज़रूर करते होंगे उनके कुछ भी कहने पे, आप भी अपना एंगर दिखाते हैं, लेकिन आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो बहुत शालीन है। उनके जज्बातों में आके जो वो कहते हैं आप उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते। आप अपनी रिस्पेक्ट और अपनी शालीनता, अपनी गरिमा को बिल्कुल नहीं छोड़ते, और आप उसी लहजे से बात करते हैं कि आपके पर्सन चाहे उस वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब बैठ के वो बाद में सोचते हैं कि आपने उनकी सिचुएशन को किस तरह से डील किया, इससे उनको बहुत शर्म आती है। वो तो अपने मुंह में जो भी आता है आपको उस वक्त कह भी देते हैं, ये भी सोचते हैं कि जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूँगा या बोलूँगी, तुम्हें ये सुनना ही पड़ेगा। आप सुनते हैं, आप कन्फ्रंट भी करते हैं, आप ऑपोजिशन भी करते हैं, लेकिन आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शालीन होती है। आप उनको ये ज़रूर कहते हैं कि आपने अभी जो बोला है, चाहे जो भी मुझे बोल दिया है, वो आपको इस वक्त सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब आप बैठ के सोचोगे आपको पता चलेगा कि आपने कैसे कैसे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं। ये आप उन्हें ज़रूर कहते हैं, और आप उनको ये भी अवेयर करते हैं कि जब आप अकेले में बैठ के सोचोगे आपको बहुत शर्म आएगी आपने मेरे लिए किस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं। और डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ फिर यही होता है जब वो अकेले बैठकर सोचते हैं कि आपके सामने उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, और आप चाहते उतना बुरा उनको कह सकते थे, लेकिन तब भी आपने अपने आप को एक बाउंड्री में रखा, अपने आप को एक सीमा खींच के रखी जिसके आगे आप नहीं गए। चाहे वो इंसान ने अपनी सीमाओं को लांघा, कुछ भी कहा, ऐसा ऐसा कहा कि कई सारे रिलेशंस तो ऐसी बातें सुनकर ब्रेकअप भी हो जाता है, पर आपकी उस वक्त जो चुप्पी है या जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है, आप चाहे कुछ भी कह सकते थे उनको सुनना ही पड़ता, लेकिन जो आप अपनी गरिमा में रहते हैं उसके बारे में जब वो सोचते हैं अकेले में, उनको इतनी शर्म आती है कि वही हैं जो बार बार फिर आपको मनाने के लिए आते हैं। इनफैक्ट वो दूसरों के सामने भी जब ये बात करते हैं, जब कोई उनको ये पूछता है कि ये लड़ाई हुई तो ऐसा क्या आपके पर्सन ने आपको क्या बोला, तो ये वही कहते हैं कि मेरे पर्सन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट वो तो इतनी शालीनता से बिहेव कर रहे थे या कर रही थी कि मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ये कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं अपने शब्दों के लिए, और हमेशा आपके पर्सन ही है जिनको आके आपको सॉरी कहना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप भी उनको सामने से बुलाएंगे तो भी उनको ईगो नहीं आएगी, मतलब इस तरह का घमंड नहीं आएगा, देखा तुमको आना पड़ा। वो जानते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें आपका औहदा उनसे ऊंचा ही है रिस्पेक्ट में, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत थैंकफुल फील करते हैं। वो गॉड से ऐसा ही कहते हैं, वो ऊपर वाले से यही कहते हैं कि वो बहुत लकी है कि उनको आप जैसा पार्टनर मिला है जो उनकी बहुत ज़्यादा बेलगामियों को, बहुत ज़्यादा मतलब जो शब्द वो इस तरह के यूज़ करते हैं जिससे किसी का भी दिल हर्ट हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कि आप सुनते ही रहेंगे, कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन आपका जो कंडक्ट है, आपका जो तरीका है इनको डील करने का, वो उनको इतनी ज़्यादा शर्म में डालता है कि धीरे धीरे उनकी जो ये बेलगामियाँ है डेफिनेटली कंट्रोल में आ ही जाएंगी, और वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके इस नेचर की वजह से।
अपने आप को आपके सामने छोटा महसूस करते हैं, और ये आप उनको करवाते नहीं, आप उनको कहते नहीं कि आप अपने आप को छोटा महसूस करो। आपका अपना एक जो गौरवशील बिहेवियर है वो आपको उनसे ऊपर के ओहदे पे ही रखता है, और इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा एहसास भी है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप कभी भी अपने इस नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। बहुत कम लोगों में ये शालीनता होती है, ये गरिमा होती है कि वो सामने वाले को बिना कुछ ज़्यादा कहे उनकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। तो पाइल वन आपकी रीडिंग में आप समझ गए हैं आपके पर्सन किस वजह से आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो है आपका एक एटीट्यूड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को ना बुरा बोल सकते हैं, और अगर कोई बुरा बोल भी देता है तो आप शायद इतना गंदा उसको नहीं बोल पाते, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, आपका जो नर्चरिंग है वो ऐसा है, आपकी जो शालीनता है वही अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि सामने वाला अकेले में बैठ के खुद ही पछताता है कि उसने आपको ये क्या क्या कहा। और धीरे धीरे वो इंसान आपके सामने इम्प्रूवमेंट लेवल पर ही जाता है, क्योंकि आपका तरीका ही कुछ ऐसा है डील करने का कि वो इंसान आपकी इज्जत किए बिना नहीं रह सकता। आपको कभी कहना ही नहीं पड़ता कि तुम मेरी इज्जत करो, आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि आपको इज्जत दिलवाता है। तो पाइल वन का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप समझ गए हैं कौन सी आपकी क्वालिटी है जिसके लिए आपका पर्सन आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट फील करता है या करती है। अब हम लेंगे पाइल टू, ये शेड्स गॉगल्स, जिन्होंने भी पाइल टू सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपकी किस वजह से दिल से आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। डेफिनेटली आप में ऐसी कोई क्वालिटी होगी ही, वरना लोग इज्जत मांगते हैं, लेकिन आप हैं कि आपको इज्जत सामने से मिलती है, आपको कहना नहीं पड़ता किसी को कि आप मुझे इज्जत दो। और ख़ासतौर पे हम आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं कि क्यों वो आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने कार्ड्स को ध्यान से पहले सुन लीजिए। पाइल टू, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मून, एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर मैं जोडियक बोलूँ तो मुझे फायर एंड अर्थ साइन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है इसमें। फायर एंड अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को अब। तो मुझे आपके कार्ड से ये दिख रहा है कि आप बहुत फर्म स्टैंड लेते हैं, जिसको आप अपना मान लेते हैं ना, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फर्म स्टैंड लेते हैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिसको आपने अपना माना वो फिर चाहे आपका खुद का फैमिली मेम्बर हो, वो आपका फ्रेंड हो, या वो आपका लव पार्टनर हो। अब मैं आपको इस सिचुएशन को समझाती हूँ कि क्या चीज़ है वो जिसकी आपके पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है जिस वक्त आप ये स्टैंड लेते हैं उस वक्त उनको बुरा भी लगता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो लव पार्टनर है आपके फैमिली मेम्बर की कोई बुराई कर देते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि लव पार्टनर अगर किसी पर्सन के फैमिली मेम्बर की बुराई करता है या करती है, तो लव पार्टनर ये सोच के चुप रहते हैं कि ये मेरे पर्सन है, कोई बात नहीं, बोलते बोलने दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं है। अगर आपके लव पार्टनर आपके फैमिली मेम्बर की बुराई करते हैं तो आप तुरंत एक स्टैंड लेते हैं। आप ऐसा बोलते हैं नहीं, मान लो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं है, या मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, या मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है। आपको कोई राइट नहीं बनता आप उनके लिए बिना सोचे समझे ऐसी बात करो। वैसे ही अगर कोई आपके लव पार्टनर के लिए कुछ ऐसा बोलता है जो आपको सुनना पसंद नहीं है, आप उनसे भी कन्फ्रंटेशन करते हैं। ये नहीं कि आप अपने लव पर्सन से ही लड़ते रहते हैं, कोई और उनके बारे में गलत बोलेगा तो आप वहाँ भी स्टैंड लेंगे। मतलब आप हर रिलेशनशिप की एक अपनी मर्यादा को समझते हैं, इस रिलेशनशिप की ये वैल्यू है, इस रिलेशनशिप की ये वैल्यू है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये बात इस रिलेशनशिप के लिए बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आपके पापा या मम्मी बोल देते हैं कि तुम्हारा जो पार्टनर है, लव पर्सन है, लव पार्टनर है, उसमें ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, और आपको लगता है ये चीज़ उनको गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ स्टैंड लेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आपको मम्मी पापा आपको ये गलत फहमी हुई है, मेरे जो पर्सन है उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनमें ये इश्यू नहीं है, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब आप सही बात के लिए हर जगह स्टैंड लेते हैं, किसी को भी मस्का नहीं लगाते हैं सच, फिर वो चाहे आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके लव पार्टनर है, किसी के भी सामने आप इस तरह से नहीं झुक जाते कि तुमने बोला तो कोई बात नहीं, ये तुम बोल सकते हो, ऐसा आपके अंदर नहीं है। जिस भी पर्सन के लिए आपको लगता है ये बात गलत बोली गई है, आप खड़े होते हैं और वहाँ एक स्टैंड लेते हैं, आप जो बात सही है वही मानते हैं और वही प्रपोज करते हैं और वही कहते हैं, किसी को चाहे आपकी बात का कितना भी बुरा लग जाए, लेकिन आप अपनी बात से बदलते नहीं हैं कि क्योंकि ये मेरा लव पार्टनर है तो मुझे इसकी साइड, हाँ सही बात यह है, आप साइड्स नहीं लेते, आप साइड लेते हैं बात की, जो बात सही है या गलत है उस बात की, उस सिचुएशन की साइड लेते हैं, किसी पर्सन की साइड नहीं लेते, फिर चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो, जिसके बारे में आपको स्टैंड लेना है आप डेफिनेटली लेंगे, उस वक्त चाहे सामने वाले पर्सन को बुरा भी लग जाता है, आपके लव पार्टनर को हो सकता है बुरा लग जाता है कि मैं तो तुम्हारा लव पार्टनर हूँ, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तुमको तो मेरी ही साइड लेनी चाहिए, मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ आपके फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपको कोई हक नहीं है मुझे बोलने का, आप उसको मस्का उस वक्त नहीं लगाते, आप उनको सही बात समझाते हैं और उनको कन्फ्रंट करते हैं कि आपने ये जो कुछ भी बोला इनके लिए गलत है, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता या नहीं करती, तो उस वक्त आपके पर्सन को डेफिनेटली बुरा लगता भी है, लेकिन जब वो बैठ के सोचते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि आपको सच बोलने की आदत है, आप सच बोलने से बिल्कुल घबराते नहीं है, फिर वो सच चाहे किसी के लिए भी आपको बोलना पड़े, हो सकता है वो किसी अनजान पर्सन के लिए स्टैंड लेना है, हो सकता है आपके दोस्त के लिए स्टैंड लेना है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर के लिए स्टैंड लेना है, हो सकता है आपके पर्सन के लिए आपको स्टैंड लेना है, लेकिन स्टैंड आप सही बात का लेते हैं, इंसानों के लिए नहीं लेते, सही सिचुएशन और सही बात के लिए लेते हैं, इस चीज़ की आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, शायद आपको भी पता नहीं कि आप जाने अनजाने ये जो करते हैं उसको वो नोटिस करते हैं और आपकी इज्जत वो बहुत करते हैं। तो पाइल टू, आपकी रीडिंग भी हुई कंप्लीट, आपके पर्सन आपकी जो ये स्टैंड लेने की आदत है किसी के लिए भी, फिर चाहे आपको किसी के साथ भी लड़ना पड़े सही सिचुएशन के लिए, सही बात के लिए, आप बिल्कुल घबराते नहीं हैं, और इस बात के लिए आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब हम लेंगे पाइल थ्री, अब टर्न है पाइल थ्री, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट किस लिए करते हैं, ऐसी आप में कौन सी बात है जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं, शायद उन्होंने कभी आपसे शेयर ना किया हो कि आप कहीं सिर पे ना चढ़ जाओ, वैसे आप ऐसे हो नहीं, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं, इनको बताना नहीं चाहिए, तो आज आपको पता चलेगा आपके पर्सन आपकी किस लिए इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। पाइल थ्री, परफ्यूम, अपने कार्ड्स आप ध्यान से सुनिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, चैरियट, टावर, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं कह सकती हूँ अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़बरदस्त है इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा अर्थ साइन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आइए एनालाइज करते, तो आप या आपके पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं, और साइंस को भी ये रिजोनेट करेगा, लेकिन अर्थ साइन को शायद ये 100% रीडिंग रिजोनेट करे। आपके जो पर्सन है आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके अंदर बहुत ठहराव है, माई गॉड, ये मैं देख सकती हूँ आपके कार्ड्स में, स्ट्रेंथ और हाई प्रिस्टेस कार्ड, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव है, मतलब आपके साथ कोई सीक्रेट अगर कोई शेयर कर दे, आपसे कोई बात ऐसी बता दे आपको,
और ख़ास तौर पे अगर ये कह दे कि ये बात कभी किसी को मत बताना, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप वो बात को एक्सपोज नहीं करते। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, किसी को कुछ बात बता दे तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, कि जब तक वो किसी को बोल ना दे उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन आपसे बात करके बैंक में, जैसे आप अपना पैसा रख के फ्री हो जाते ना कि मेरा बैंक में पैसा सेफ है, आपके पर्सन आपको इस बात के लिए बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आपसे कोई बात शेयर कर दी, आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आप उस बात को कभी भी शेयर नहीं करेंगे। अपने दिल में, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उसको इस तरह से बचा कर संभाल कर रख लेते हैं कि शायद आप ही भूल जाते हैं कि आपको किसी ने ये बात बताई होगी। मतलब इतना ज़्यादा आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। ये बहुत कम लोगों में इस तरह की ये गुण होता है कि किसी की बात को वो इतनी परहेजी से रखे कि किसी को भनक भी नहीं पड़ती कि उसके दिल में ये बात है। मान लो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पर्सन ने, मैं तो बोलती हूँ आपके पर्सन क्या, किसी ने भी अगर आपसे कोई बात ऐसी कही है, आप कभी भी उसे एक्सपोज नहीं होने देते। मुझे यहाँ पर एक केस याद आता है, आपकी ये वाला पाइल आने के बाद मुझे याद आया कि हमारी एक ग्रुप में एक फ्रेंड थे, मतलब हमारी जो फ्रेंड थी वो हम बहुत सालों से, इनफैक्ट हम स्कूल टाइम से हम लोग फ्रेंड्स थे, उनके घर आना जाना था हम सबका, हमारे पूरे ग्रुप का। और उनका जो सबसे छोटा ब्रदर था बहुत लाडला था पूरे घर का, और मेरी जो फ्रेंड है उनका भी बहुत लाडला भाई था वो। लेकिन पता नहीं एक दिन बात करते करते उनके घर कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था, तो उन्होंने बातों बातों में ये बात हमको बताई, मतलब इनोसेंटली उन्होंने बोल दिया कि ये जो ब्रदर है ना उनका, ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। माय गॉड, हम सबको इतना ज़्यादा शॉक लगा उस वक्त सुनकर कि ये जो इनका ब्रदर है, जिसको इतना ये लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ भी सहन करते हैं, ये इनका अडॉप्टेड ब्रदर है। और उस वक्त हमको शायद गुस्सा भी आया कि ये हमारी फ्रेंड होते हुए स्कूल टाइम से, आज हम तब हम कॉलेज लाइफ में थे, और इन्होंने हमको अब तक ये बात भी नहीं बताई। लेकिन आज जब मैं रियलाइज़ करती हूँ, मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है ये इंसान के दिल में कितना ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है प्राइवेसी को लेकर दूसरों की, कि वो उसने अपने दोस्तों को भी बताना सही नहीं समझा इस बात को, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको कहा होगा, मैं हमारी फ्रेंड को, कि तुम कभी भी ये बात किसी को मत बताना। तो मुझे ये बात याद आ गई आज ये कार्ड्स को देखकर, आपका नेचर इस मेरी फ्रेंड जैसा है कि आपके दिल में कोई भी बात सालों तक महफूज रह सकती है, आप किसी को भनक भी नहीं पड़ने देंगे उस बात की। कि हाँ, हो सकता है किसी को कहीं और से कुछ पता चले जो आपको ऑलरेडी पता था, हो सकता है आप तब एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ मुझे ये बात पता थी, लेकिन क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं लगा और सही नहीं लगा किसी को बताना, तो आपने नहीं शेयर की। आपकी इस बात की, आपकी इस क्वालिटी आपकी, आपके पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि कल को आपके साथ जब फैमिली उनकी होगी, अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है भी तो भी, और नहीं भी है, ऑन द वे है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे, तो आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा एतमाद में है कि आप कभी भी घर की कोई बात, फैमिली की कोई बात कभी भी किसी से शेयर नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है आप पे, घर की बात इधर से उधर करना ये आपके नेचर में नहीं है। तो आपको लेकर तो वो बहुत बेफिक्र है कि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है इससे फैमिली का कभी नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों को आदत होती है, उन्होंने क्या खाया ये तक भी पोस्ट में डाल देते सोशल मीडिया में कि हमने ये खाया ये, उसमें गलत कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, लेकिन ऐसे लोगों की फिर आदत भी ये होती है कि उनके दिल में ज़्यादा बातें नहीं रहती। तो आप जो शेयर करते हैं ना पोस्ट, उसमें भी मेरे को दिखता है आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी और सेंसिबल हैं, क्योंकि आप जैसे लोग आसानी से कुछ भी शेयर नहीं करते, और अगर शेयर करते तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर शेयर नहीं करते तो नहीं करते। इतनी ज़्यादा प्राइवेसी को आप रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की कॉन्फिडेंशियल बात को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बात चाहे किसी को कहीं से पता चलेगी पर आपसे कभी नहीं पता चलेगी। और इसी चीज़ की रिस्पेक्ट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको शायद ना भी पता हो, लेकिन आज आपको ये बात भी पता चल गई। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट, आपको पता चल गया है आपके पर्सन क्यों आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
अपनी ये जो क्वालिटीज़ है जो आज आपने अपने बारे में जानी, मतलब आप जानते थे लेकिन अवेयर नहीं थे। कई बार हम अवेयर नहीं होते कि हमारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है। कभी भी इसको चेंज मत होने देना, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में अपनी इस क्वालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपको ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ दी है गॉड ने, इसकी हमेशा इसको संभाल कर रखना। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।